सकते हैं, बट यस दो ही खिलाड़ी बचे हैं, वो दिक्कत होने वाली है गेम्स, वो एक चैलेंज होने वाला है। टीम सोल का चिकन डिनर सिर्फ तभी निकल सकता है जब थर्ड पार्टी एंगेजमेंट्स उनके सारे के सारे चारों ओर के खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर जाए। बिल्कुल, बट अभी के लिए यहाँ पर टीम गॉडलाइक की हम बात करें, F1LS के ऊपर आ चुके हैं, धावा बोल चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक और क्रेडिट आता हुआ जॉनथन। यहाँ पर मेरे ख्याल से लगता है कि इस बार जॉनथन के द्वारा ये क्या क्लस था 1v3, एक बार मैं जरूर देखना चाहूंगा जॉनथन। जी हाँ, यहाँ पर 1v2 गाइस, नॉट 1v3 बट 1v2, और साथ यहाँ पर उनका साथ मिला क्लच गॉड का, पहले क्लच गॉड अभी दिख रहा है एंड आई बिलीव उनके पास मौका नहीं था। मवी यहाँ पे गॉड लाइक के खिलाड़ियों को बहुत बहुत ज्यादा डैमेज देने वाले हैं, M16 के ऊपर 4x मिड रेंज फाइट में सबसे भयानक एआर्स में काउंट किया जाता है। रेगल टॉस कंटिन्यूअसली वो भी स्प्रे डाउन करने वाले हैं गॉड लाइक के खिलाड़ियों को। और ये देखिए रेगल टॉस के बाद एक बढ़िया मौका कि अगर वो स्मोक क्रिमिनल यहाँ पर बनते हैं तो उनके पास मौका रहेगा कि वो स्मोक से ही प्लेयर्स को वहां पर नॉकआउट कर सके, फिनिश ऑफ यहाँ पर कर सके। एंड यही सेम थिंग यहाँ पर सोल ड्राइवर यानी मावी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और मावी की अगर बात करें बचे हुए और ये तो साइड अगर बात करेंगे यहाँ पे डैमेज दिया जा रहा है और भी ज्यादा, ग्रेनेड आता है सूर्या की तरफ से, सेल्सियस मॉक को नॉकआउट किया जाएगा, विजगॉड भी यहाँ पे जॉनथन को करेंगे एलिमिनेट। एनसी के साथ साथ 8-bit के पास एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है, छत के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको टेंशन नहीं है किसी भी और टीम की, सिर्फ उनको बचाना है अपने आप को इनकमिंग फायर पावर से, लेट दी अदर टीम्स फाइट आउट। एंड अक्षत यहाँ पे एग्रेशन दिखाएंगे, टॉप डॉग को करेंगे कंफर्म, पैराडॉक्स वो एक रिज के नीचे छुपे हुए गेम्स, पैराडॉक्स के ऊपर सिर्फ एक टीम नहीं दो टीम की निगाहें हैं, स्काईलाइट्स गेमिंग एंड दूसरी तरफ है यहां पे टीम 8-bit। Once again, Team Soul have the heart of the circle. CG7 के ऊपर आता है स्प्रे डाउन, रेगल टॉस पर थोड़ी सी चूक हो जाती है, एमिनेशन की कमी यहाँ पे होने नहीं वाली है, वाइपर का कंप्लीट क्रेट वहां पे पड़ा हुआ है, एटलीस्ट 200 से 250 बुलेट्स वहां पे इजी मिल जाएंगे। अगर हम बात करेंगे मवी की एंड रेगल टॉस की, वो जो स्टेबल है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्या यहाँ पर 8-bit रश करेंगे टीम सोल के ऊपर, क्या यहाँ पर 8-bit एलिमिनेट करेंगे टीम सोल को, या एक 2v4 एंगेजमेंट में सोल सक्सेसफुल निकल आ सकती है। बट आप अगर जोन पे फोकस करेंगे, अभी भी एनिग्मा को जोन में आना है, सेल्सियस को जोन में आना है, राइवल ईस्पोर्ट्स के साथ साथ ईस्पोर्ट्स एम्पायर जो साउथ ईस्टर्न सेक्टर में एंगेज कर रहे हैं उनको भी जोन में आना पड़ेगा। 8-bit जोन के एज पे खेल रहे हैं, रेवेनेंट के पैराडॉक्स का इंफॉर्मेशन अभी तक आई डोंट थिंक यहाँ पे 8-bit के पास है, उनको पता है कि पीछे एक खिलाड़ी जरूर मौजूद है लेकिन वो खिलाड़ी कहां पर है वो इंफॉर्मेशन उनके पास। मतलब एक तरीके से देखा जाए काफी स्मार्ट प्ले दिखा रहे, बिल्कुल भी ओपनली ब्लाइंडली नहीं जा रहे, लेकिन अक्षय उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, कोशिश काफी अच्छी थी रेवेनेंट के द्वारा नो डाउट, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पर कैप्टन। वेल गेम्स, इट्स सेफ टू से कि अभी के लिए 8-bit के पास सबसे बढ़िया एडवांटेज है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे एनिग्मा की, एनिग्मा भी यहाँ पे फाइट्स में एंगेज कर रहे हैं, रौनक यहाँ पे अपने डीएमआर के साथ साथ भी एक्शन दिखाएंगे, रौनक अपने, लेकिन इस मैप के ऊपर रौनक का सबसे ज्यादा आपको दबदबा देखने का मौका मिलता है। 8-bit की टीम, उनके पास एडवांटेज मैन पावर का है लेकिन धीरे धीरे करके वो भी मुझे बैनिश होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रौनक का डीएमआर यहाँ पे बहुत कुछ कह रहा है, रौनक का डीएमआर ये कह रहा है कि आप आगे आएंगे तो मैं तैयार रहने वाला हूँ। मार्कोस गेमिंग की तरफ से मुझे एक खिलाड़ी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, केवाइन ओपी अभी भी बचे हुए हैं, एंड केवाइन के बारे में तो आप सिर्फ एक ही चीज अभी प्ले करो, फ्रॉम डेल्टा पीजी राइवलरी स्पोर्ट्स, उनको पता था खिलाड़ी कहां पर मौजूद है, दैट ग्रेनेड राइवलरी स्पोर्ट्स कंप्लीटली, लाइक यू नो दिस वाज अ ह्यूज वन, जो ग्रेनेड यहां पे आता है आपने देखा उस ग्रेनेड को लिटरली आते हुए, उनको पता था गेम ओवर है, मैं नहीं हिल पाऊंगा एंड वो ऑलरेडी गिव अप मार चुके थे। टीम सोल के ऊपर भी यहां पे ग्रेनेड्स की बरसात हो रही है, आप देख सकते हैं टीम सोल के ऊपर पोशन करने के लिए यहां पे करेंगे राइवलरी को कंप्लीटली ऑब्लिटरेट। एंड ऑन द अदर साइड 8-bit अक्षत कोशिश करें यहां पे हील बैटल करने की, मवी के पास एडवांटेज क्या है कवर का, रिवाइव दे रहे हैं रेगल टॉस को, हील करने का मौका मिला तो क्लोक यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्टी स्पॉइलर बन सकते हैं। एनिग्मा आर गोइंग इन, वो पुश कर रहे हैं यहाँ पे सोल के पोजीशन के ऊपर, कौन यहाँ पे शांत है, स्काईलाइट्स गेमिंग शांत है, स्काईलाइट्स गेमिंग के चारों खिलाड़ी बचे हुए हैं, रेगल टॉस के पास दो और फर्स्ट एड जाने वाला है, हील करेंगे तभी एंगेज कर पाएंगे, 17-meter जोन में जाना है टीम एनिग्मा को, ग्रेनेड आता है लेकिन ग्रेनेड विंडो के बाहर ही फट जाता है। एक चीज देखिए ना यहाँ पर हल्का सा पिक्सल, वहां पर रेगल टॉस तो ग्रेनेड कुक कर रहे थे, उनका हल्का सा हाथ रिवील हो रहा था, स्काईलाइट उस चीज का ही फायदा उठा रही थी यहाँ पर, बट टीम सोल को यहाँ पर टीम सोल आ चुकी है #3 तक, मतलब top 3 तक वो यहाँ पर आ चुकी है। कौन सी टीम यहाँ पर और चैलेंज यहाँ पर बन सकते हैं तो मैं एक बार बताना चाहूंगा, टीम स्काईलाइट्स और मार्कोस गेमिंग, उनके आईजीएल सूर्या भी अभी भी यहाँ पर
इस खेल में बने हुए हैं। वेल गेम्स कहना चाहेंगे यहाँ पे 1.6 लाख ऑडियंस जो ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से जल्दी एंगेज कीजिए। सोल अभी भी बनी हुई है, सोल तो यहाँ पे तबाही मचाने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज यहाँ पे 1v4 का मौका नहीं मिलने वाला है टीम सोल को। #2 अ वेरी वेरी बिग गेम फॉर सोल, अ गेम फॉर सोल। लेकिन ये स्काईलाइज गेमिंग का सेकेंड चिकन डिनर है, मैप 1 में चिकन डिनर, मैप 2 में चिकन डिनर, क्या हैट्रिक की तरफ यहाँ पर बढ़ने वाले स्काईलाइज।